हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्यूकर स्टडी में। मैं कमल विष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको लॉग रेंज सरलश्रमिका बताऊंगा दोस्तों, लॉग रेंज आइडेंटिटी। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है हमारी यहाँ पर लॉग रेंज आइडेंटिटी, जिसका यूज़ हमारा जो है कंपटीशन में हम कर सकते हैं, जिसको हम बड़ी से बड़ी सरलश्रमिका को सॉल्व करने में इसका यूज़ करते हैं हम, और हमें कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ जाते हैं इस बेस पर। अब देखिए, हम इसको आइडेंटिटी को जानेंगे हमारी क्या सरलश्रमिका होती है लॉग रेंज की। अब देखिए, हमारा जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये हमारा जैसे हमारा फॉर्मूले का रूप है, और इक्वल टू होता है हमारा यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे दो फॉर्मूले आए। अब देखिए, इसको आपको इस तरह से याद रखना है। अब यदि इसको आप याद रखने में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, जैसे आपने ए लिखा और बी लिखा, और वैसे आपने यहाँ पर एक्स लिख दिया और वाई लिख दिया। अब देखिए, जब पहली बार आप मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्म में, आपको पहले दिया होगा इस फॉर्म को, तो आपको देखना ही है पहले ये फॉर्म आपको दिखते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले आप एक का सीधे एक्स से गुणा कर दीजिए और फिर बीच में प्लस करके फिर बी का वाई से, तो इस तरह से आपका आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, और इसके बाद से स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको प्लस करके क्या करना है, अब देखिए आपको यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे करना है ए का वाई से। अब आप देखिए जो है क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉस करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको माइनस करना है वहाँ पे ए वाई, और इसका क्रॉस यहाँ पर कर दीजिए बी माइनस करके बी एक्स, और फिर आपको इसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो इस तरह करेंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकल गया, और इसकी जगह पर आप इसको रख देंगे यहाँ पे। और देखिए, इस पर हम इस बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, जिनको हम काफ़ी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले हम क्या एक फॉर्म और पढ़ेंगे इसका, ये हमारा जैसे यहाँ पे केवल यहाँ पे ए बी में था और एक्स वाई में, अब हम ए बी सी में पढ़ेंगे और एक्स वाई जेड में, जब हमारे पास तीन तीन टर्म होते हैं उनको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे केवल दो टर्म थे यहाँ पे वेरिएबल के। देखिए, जब हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जब ये फॉर्म होगी हमारी, तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको इस केस में निकालने के लिए भी हम वही करेंगे। यहाँ पर पहले ए का मल्टीप्लाई एक्स से कर दीजिए ए एक्स, फिर बी का वाई से प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और इसको स्क्वायर कर दीजिए, ये आ गया आपका। उसके बाद प्लस, अब देखिए वहाँ पर हमारे केवल दो थे, इसलिए हमने वहाँ पे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई आ गया था हमारा वहाँ पे, और एक बार माइनस में ले लिया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन हैं, एक एक्स भी है वाई भी है और जेड भी है, और यहाँ पे दोनों साइड में यहाँ पर हमारे देखिए यहाँ पे भी तीन टर्म है और यहाँ पे भी तीन टर्म है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर प्लस के बाद क्या आएगा, हम पहले लिखेंगे ए वाई माइनस बी एक्स का स्क्वायर, और दूसरा आ जाएगा हमारा आप ए का वाई के साथ हो गया, आप ए का जेड के साथ करेंगे ए जेड माइनस सी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर से एक और आएगा प्लस बी जेड माइनस सी वाई का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे जब हमारे पास तीन तीन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, उसके लिए फॉर्मूला आ गया, जब तीन तीन टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है स्क्वायर वाले, तो उसको हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला हमें यहाँ पर लंबा लग रहा है, लेकिन याद रखना इसको ज़्यादा कठिन नहीं है, पहले आपको सभी के साथ यहाँ पर एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ एक्स का एक्स ए का एक्स के साथ किया, फिर बी का वाई के साथ किया, फिर सी का जेड के साथ किया, ये आपने पहले में लिख दिया पहले ब्रैकेट में और उसका स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर स्क्वायर आपको सभी ब्रैकेट करना है, ये आपको याद रखना है, कोई भी ब्रैकेट होगा उसका स्क्वायर करना आपको। उसके बाद आपने क्या किया, अब आपने यहाँ पर ए का पहले एक्स किया, अब आपको ए का वाई से करना है एक को छोड़ के, और जब आप एक को छोड़ें उस समय आपको याद रखना है कि अब आगे को आप माइनस लगाएंगे, और फिर बी का
एक्स से कर दिया आपने, एक पहले से जो बचा था उसका, क्योंकि आप उल्टा कर रहे हैं। आप यहाँ पे ए का वाई से कर रहे हैं और बी का एक्स से कर रहे हैं, तो उल्टा करें माइनस लग जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद बी आपने फिर ए का जेड के साथ किया, और इससे पहले आपने एक्स को फिर से छोड़ दिया, तो सी का एक्स से कर देंगे माइनस लगा के, और वैसे बी जेड माइनस सी वाई और इसका स्क्वायर। तो इस तरह से आपके यहाँ पे दोनों यहाँ पे थ्योरम आ जाएंगी, दोनों यहाँ पे दो फॉर्म आ जाएंगे इस थ्योरम के, इस जो सरस्वती का इसके दोनों फॉर्म आ जाएंगे, और इस तरह से हम इनको निकालेंगे। अब देखिए इनके बेस पर हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को कितनी इजीली निकाल लेते हैं, क्योंकि यदि आपको इतना बड़ा, यदि आप एग्ज़ाम में मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और उसके बाद भी आपका जो है आंसर सही आने की कोई संभावना वहाँ पर कोई क्लियर नहीं है कि सही आ जाएगा। तो इसलिए आप वहाँ पर थ्योरम का ही यूज़ करेंगे और बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इस बेस पर हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, और हम उनको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब देखिए आपको एग्जांपल दिया गया है और ये आपको सॉल्व करना है। अब ये फॉर्म आपको क्लियर दिख रहा है कि ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का है, यही वाला फॉर्म है। और यहाँ पर हमारा ए की जगह पर क्या है, ए इक्वल टू वन हो गया, बी इक्वल टू फोर हो गया, एक्स इक्वल टू टू हो गया और वाई इक्वल टू सेवन हो गया। केवल आपको ये याद रखना है, निकालना है इससे, और उसके बाद आपको क्या पता है इसका इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू इसका यहाँ पर कर देंगे हम, इक्वल टू हमारा होता है ए का एक्स से प्लस बी का वाई से, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका प्लस ए का वाई से माइनस बी का एक्स से, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी, केवल आपको यहाँ पर देखिए ए एक्स अर्थात वन इंटू टू हो जाएगा, यहाँ पर टू आ गया आपका, और प्लस बी वाई करना है तो आपको फोर इंटू सेवन यहाँ पे 28 आ गया, इसका स्क्वायर कर देना आपको प्लस यहाँ पे आपका ए वाई, ए वाई आपका वही हो गया वन इंटू सेवन, सेवन हो गया, और बी एक्स अर्थात माइनस करके 8 आ जाएगा आपका यहाँ पे, का स्क्वायर कर देना आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको मिलता है यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 30 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे देखिए 7 माइनस वन क्या आएगा, माइनस वन आएगा, और माइनस वन का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो वन ही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, और आप यदि इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 900, और प्लस वन करेंगे तो 901 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपको इस थ्योरम का यूज करके इस तरह से इसको लगाना है। अब देखिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, जो हमें एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनमें से, उसको हम किस तरह करेंगे। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है जो हमारी ऊपर वाली थ्योरम के बेस पर है, और इस तरह के क्वेश्चन भी हमें कंपटीशन में पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया है हमें ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप इस फॉर्मूले को जो है गौर से देखेंगे, और इस तरह के क्वेश्चनों में हमेशा हमारा एक कोई रिलेशन लगता है या कोई यहाँ पर थ्योरम या आइडेंटिटी लगती है, और यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। हमने पढ़ा था कि हमारा जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हमें क्लियर होता है कि ये दोनों चीजें क्या हैं, एक ही हैं, ये और ये एक ही हैं। तो हम इसके स्थान पर इसको भी लिख सकते हैं और इसके स्थान पर इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों को अलग अलग फॉर्म में लिखा है लेकिन ये एक ही हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें, इसमें सीधे हम देखिए इसकी जगह पर इसी को लिख देते हैं लेफ्ट साइड को। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन वही सेम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा,
ये हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा इसका आंसर होगा, इसका रिजल्ट 1 आ गया। अब आप देखिए, इतना बड़ा हमारा क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन हमने इसको ओनली 2 स्टेपों में बहुत ही आसानी से कर लिया। और आपको जब फॉर्मूला याद होगा, आप ये भी नहीं करेंगे उस समय, आप उस समय सीधे आंसर को टिक करेंगे, केवल आपके 2-3 सेकंड लगेंगे इसको करने में। बट आपको पहले क्या होना चाहिए, थ्योरम को याद होना चाहिए अच्छी तरह से, उसके बाद ही आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं और इसे निकाल सकते हैं। और भी इस तरह के आप जो है क्वेश्चनों को उठा सकते हैं अपने कंपटीशन एग्जामों से और प्रैक्टिस कर सकते हैं इस फॉर्मूले की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, थैंक्स।